दोस्तों इस पैंडेमिक के टाइम में आम लोगों से दो गज दूरी मास्क है जरूरी की पॉलिसी अपना रखी है हम सभी ने, लेकिन अगर आपको लिब्रांडू कहीं दिखे तो 8 गज दूरी और कान में रुई भी है जरूरी, ये पॉलिसी आप जरूर अपनाइए। और ये लोग लगे हुए हैं पैंडेमिक के टाइम में पैनिक कैसे फैले, पैनिक और ज्यादा कैसे बढ़े उसको बढ़ाने में, और इसके लिए वो झूठ का पूरा सहारा ले रहे हैं। कभी कहते हैं कि अब वैक्सीन फ्री में नहीं लगेगी, वैक्सीन के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, और एक से एक बड़े से बड़ा पॉलिटिशियन, बड़े से बड़ा बॉलीवुडिया सब इस बात को कर रहे हैं। तो आइए इस बात का पूरा सच जानते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, दिखते रहिए आज की ज्यादा खबर। तो दोस्तों नए नए तरीके से पैनिक फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है और राहुल गांधी इस काम में सबसे आगे हैं। राहुल गांधी ने आज ही 2-3 ट्वीट किया और दोनों तीनों ट्वीट्स में उन्होंने एक ही काम किया कि पैनिक कैसे फैले। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत देश से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो विदेश में भेज रहा है, विदेश को एक्सपोर्ट कर रहा है, जबकि ये जो खबर थी ये सरासर फेक न्यूज थी और जिसने ये छापी थी उसने खुद ने माफी मांग ली है और इस वीडियो को, इस खबर को हटा लिया गया है, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने इस खबर को छापा और कहा कि देखिए कितना घटिया काम कर रहे हैं, यहाँ पे लोग मर रहे हैं और ये लोग विदेशों में भेज रहे हैं ऑक्सीजन को। और उसके बाद एक नई कवायद शुरू कर दी गई, वन नेशन वन प्राइस फॉर द वैक्सीन। अब ये क्या बवाल था इसके बारे में जानते हैं। तो जी अभी तक क्या होता था, अभी तक सेंटर 150 रुपए प्रति डोज के हिसाब से कंपनी से वैक्सीन खरीदती थी और उसके बाद फ्री में स्टेट्स को भेज देती थी, जैसे जैसे जिस जिस स्टेट में जरूरत होती थी। उसके बाद सेंटर के ऊपर कई स्टेट्स ने यह आरोप लगा दिया कि सेंटर केवल बीजेपी गवर्नमेंट जिस स्टेट में है उसको वैक्सीन भेज रही है, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट जहां पर है वहां पर वैक्सीन नहीं भेज रही है। महाराष्ट्र इस काम में सबसे आगे था। फिर जब पड़ताल हुई तो पता चल गया कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और सभी को जरूरत के हिसाब से वैक्सीन भेजी गई है। अब उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नई पॉलिसी बनाई है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को यह आदेश दे दिया है कि अब आप अपने हिसाब से भी वैक्सीन का ऑर्डर कर सकते हो कंपनी के साथ डायरेक्ट बात करके। सेंटर ने 50-50% की पॉलिसी बनाई है जिसमें 50% जो वैक्सीन होगी वो कंपनी प्रोवाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को और जो बाकी का 50% है वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के बीच में आपस में बटेगी। अब स्टेट अपनी सहूलियत के हिसाब से अगर उसके पास कम पड़ रही है वैक्सीन तो यहां से वैक्सीन मंगवा सकता है, लेकिन इसके बाद एक नई कॉन्ट्रोवर्सी इरप्ट हो गई। अब जो कॉन्ट्रोवर्सी की बात थी वो ये थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी से 150 रुपीज प्रति डोज वैक्सीन खरीद रही थी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेम ही कंपनी से 400 रुपीज प्रति डोज वैक्सीन खरीदेगी और प्राइवेट इंस्टीट्यूट से 600 रुपए प्रति डोज, 600 रुपीज प्रति डोज खरीदेंगे। अब जैसे ही ये तीन अलग अलग प्राइसेस आए वैसे ही कांग्रेस के राहुल गांधी से लेके सुरजेवाला से लेके चिदंबरम तक सभी ने वन नेशन वन प्राइस ये नारा देना शुरू कर दिया। सूट बूट की सरकार आ गई, क्रूड कैपिटलिज्म आ गया, देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट 150 में और स्टेट गवर्नमेंट 400 में अपनी ही गवर्नमेंट को लूटा जा रहा है, इस तरीके की बातें करनी शुरू कर दी गई। मोदी अपने दोस्तों को सहायता प्रोवाइड कर रहा है और बदले में मोदी को उसके दोस्त सहायता प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें सामने आई। कांग्रेस के नेताओं ने सवाल पूछे, उसके साथ साथ निखिल वागले, प्रशांत भूषण, राणा आयुब, शिवम वेज, रोहिणी सिंह, साकेत गोखले सभी ने पूछा कि स्टेट 400 रुपए क्यों देगा प्रति डोज। और अब जब इन सब ने सवाल पूछ ही लिया था तो फरहान अख्तर को लगा कि सब पूछ रहे हैं तो मैं भी पूछ लेता हूं कि स्टेट 400 रुपए क्यों देगा, 150 क्यों नहीं देगा। इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने कहा, आपदा देश की, अवसर मोदी के मित्रों का और अत्याचार केंद्र सरकार का। वैसे ना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी और फरहान अख्तर को छोड़ के बाकी सबको पता होगा कि स्टेट को 400 रुपए क्यों देने हैं, पर लिब्रांडो है बकैती कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों की तो जेन्युइन प्रॉब्लम है तो इनका कुछ नहीं कर सकते। तो इनके लिए आज से 3 महीने पहले यानी जनवरी का ये इंटरव्यू जो कि NDTV पर चलाया गया था वो हम दिखाते हैं, उसको देखकर आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। What would be the price of a vaccine? For what price are you providing it to the government and what would be the price in market? So we've given a special price of 200 rupees for the first 100 million doses only to the government of India on their request that we want to support
the aam aadmi, the poor, the vulnerable, the healthcare workers and all of that. And after that, we will be selling it at 1,000 rupees in the private markets. And of course, to the government of India, we'll still maintain a very reasonable price, but it'll be a little bit more than 200 rupees. 12 January, yani 12th January ko saaf saaf bola gaya company ke dwara ke 200 rupees mein pehli 100 million doses di jayengi central government ko. Aur uske baad private market mein 1,000 rupees mein ek dose बेची जाएगी। साथ साथ ये भी कहा गया कि गवर्नमेंट को फिर भी रीजनेबल प्राइस में ही दिया जाएगा, 1,000 रुपए गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा लेकिन 200 रुपए भी नहीं होगा। और ये जो सेंटर को ऑफर मिला ये केवल इसलिए मिला क्योंकि कंपनी ने वैक्सीन को जब ट्रायल्स पर भी नहीं भेजा था तभी भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनी को ऑर्डर दे दिया था। और भारत की ही सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, कई और देशों की गवर्नमेंट ने भी कंपनी को उस समय पर ऑर्डर दे दिया था और इन सभी को काफी अच्छा डिस्काउंट मिला था उस समय पर ऑर्डर करने के लिए, क्योंकि उस वक्त एक रिस्क भी था कि अगर वैक्सीन फेल हो गई तब क्या होगा। लेकिन अब ट्रायल्स हो चुके हैं, एफिकेसी की जांच हो चुकी है, तो अब इतने डिस्काउंटेड प्राइस पर क्यों वैक्सीन बेची जाए, कंपनी का कहना यह है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि कंपनी और सेंटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया जब ट्रायल्स चल ही रहे थे इस वैक्सीन के, और उसमें 100 मिलियन वैक्सीन डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि 150 रुपए प्रति डोज में देने का फैसला लिया गया। उसके बाद सेंटर के पास जो है डिमांड और आ गई और सेंटर ने कंपनी को कहा कि भाई मुझे इसी रेट में 150 रुपए प्रति डोज के रेट में 110 मिलियन डोजेस और चाहिए। तो कंपनी ने कहा कि भाई ऐसा है कि तुम हमें 3,000 करोड़ रुपए एडवांस में दे दो, हम आपको वैक्सीन भेजते रहेंगे तो हम आपकी ये डिमांड को मान सकते हैं, नहीं तो हम आपकी डिमांड नहीं मान सकते। सेंटर और कंपनी के बीच में करार हो गया, सेंटर ने कंपनी को 3,000 करोड़ रुपए एडवांस में दे भी दिए और अब जून तक ये 110 मिलियन डोजेस जो हैं वो सेंटर को कंपनी प्रोवाइड करेगी। और जून के बाद सेंटर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, कोई सी भी गवर्नमेंट हो, सभी को 400 रुपए प्रति डोज, 400 रुपीज पर डोज वैक्सीन मिलेगी। अब अगली बात ये कि कहा जा रहा है कंपनी जो है वो बहुत ज्यादा पैसा कमाएगी, बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएगी। कांग्रेस हो चाहे फिर केरला की कांग्रेस गवर्नमेंट, सबने ये कहना शुरू कर दिया कि क्रूनी कैपिटलिज्म आ गया है। तो ये बात मुद्दे की ये है कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट तो कंपनी नहीं बनाने वाली है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो 50% की रॉयल्टी ऑलरेडी दे रही है एस्ट्राजेनेका को, और आज की डेट में प्रति डोज 150 रुपए लॉस में ये वैक्सीन को बेच रही है। एस्ट्राजेनेका को रॉयल्टी क्यों दी जा रही है? अरे बेसिकली ये जो फॉर्मूला है कोविशील्ड का ये इन्होंने ही बनाया है और इसके लिए इनको रॉयल्टी दी जा रही है। यहां पर ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को यही डोज 1,000 रुपए में बेचने की बात की गई थी 12 जनवरी को, और आज 600 रुपए में उनका प्राइस फिक्स किया गया है, यानी कि पहले से 40% कम दाम में। इसके अलावा कंपनी ने स्टेट्स और सेंटर के बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव से बात की और उसके बाद प्राइस को तय किया गया कि 400 रुपए में रखा जाएगा। पहले जो कंपनी फिक्स कर रही थी वो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए 600 रुपए फिक्स कर रही थी, लेकिन स्टेट्स ने जब कहा कि इसको थोड़ा कम किया जाए तो इसको 400 रुपए किया गया। तो इसका मतलब यह है कि स्टेट्स को पूरा पता था कि प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, अगर इनको पता था तो इतना हंगामा अब क्यों हो रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी लगे हुए हैं लोगों को भड़काने में, जैसा मौका मिले वैसे भड़काने में। कल इन्होंने ट्वीट किया कि 18 से 45 साल के 18-45 ईयर ओल्ड के लोगों को अब फ्री में वैक्सीन नहीं मिलेगी। इन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि ये स्टेट का डिस्क्रिशन है कि वो इन लोगों को फ्री में लगाना चाहती है या ये उन लोगों को पैसे में लगाना चाहती है। यूपी गवर्नमेंट की बात करें या केरला गवर्नमेंट की बात करें तो दोनों ने अनाउंस कर दिया है कि हम सभी लोगों को फ्री में वैक्सीन लगाएंगे। अब ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पैसे लेकर या फ्री में कैसे लगाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर विदेशों के मुकाबले अभी भी हमारी वैक्सीन जो है वो बहुत सस्ती है। हमारी वैक्सीन का प्राइवेट में प्राइस है 600 रुपए और गवर्नमेंट को प्राइस है 400 रुपए। वहीं रशिया चाइना में 750 रुपीज में वैक्सीन बढ़ रही है, अमेरिका में वैक्सीन बढ़ रही है 1500 रुपए की, और यूरोप के अंदर भी वैक्सीन 1500 रुपए की पड़ रही है। मगर कांग्रेसियों और बॉलीवुडियों का ये प्रोपेगेंडा ऐसे चलता रहेगा
उम्मीद है आप इस प्रोपेगेंडा में नहीं फंसेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। उसके अलावा आप हमारी मर्चेंडाइज अगर खरीदना चाहते हैं तो आप भोकालfactory.com पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कॉमेंट में है। साथ साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com और ज्वाइन बटन के थ्रू, इसका लिंक भी आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।